यार अरेबिक आई मेकअप ना सच सच बताना किस किस को बहुत अच्छे लगते हैं देखने में चाहे किसी को कैरी करने में अच्छे लगे या ना लगे बट देखने में बहुत प्रिटी लगते हैं ये गोल्डन ब्लैक अरेबिक आई मेकअप एशियन ब्राइड आई मेकअप बहुत सुंदर लगते हैं और मेरा भी मन किया कि जब मैं इतने सारे आई मेकअप करती हूँ तो कुछ एक ऐसा जो है आप लोगों को क्रिएट करके दिखाती हूँ सबसे पहले हमने आईब्रोज़ को फिल कर दिया है जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आईब्रोज़ को आप लोग पहले भी फिल कर सकते हैं बाद में भी फिल कर सकते हैं जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हूँ उस हिसाब से ठीक है अब हम क्या करेंगे ब्लेंडिंग के बाद देखो हमें क्या करना है ब्लेंडिंग ना हमारी अपर और लोअर दोनों साइड में होनी चाहिए लोअर लैश लाइन में भी अगर आपको वर्क करना है तो वहां पर भी ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है अब मैं एक बड़े फ्लफी ब्रश पर लाइट ब्राउन कलर का शेड लूंगी और कुछ इस तरीके से ब्लैंडिंग करूंगी ये देख सकते हैं इनर से लेकर आउटर तक क्रीज लाइन को मैं ब्लेंड करूंगी बट लाइट कलर से ठीक है इसको हम ना ट्रांजिशन शेड भी कहते हैं इसके बाद में क्या करूंगी एक उस लाइट ब्राउन से हल्का सा डार्क ब्राउन एकदम डार्क ब्राउन तो नहीं कह सकते हैं इसको बट जो पहले यूज किया था उससे थोड़ा डार्क है ये उसको लूँगी और वापस ब्लेंड करूँगी स्टेप बाय स्टेप जब हम कलर्स लेते हैं ना तो हमारा जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है अब इनर की साइड में भी जो है हमें कलर ब्लेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है इनर की साइड में ना कई लोग ऐसे करते हैं कि मतलब अजीब सा लगता है फिर वो कलर अब देखिए इस तरीके से हमारी ब्लैंडिंग हो चुकी है जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि कलर्स थोड़ा सा भी ब्लैंड होने को है वहाँ पर हम ब्लैंडिंग फिर से करेंगे अब देखो हमें क्या करना है क्रीज़ लाइन हमारी ऑलरेडी ब्लेंड हो चुकी है अब हमें क्या करना है कट क्रीज़ बनानी है अरेबिक जो आई मेकअप होते हैं उनमें फुल कट क्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बनाई जाती है और यहाँ पर मैं बनाऊंगी फुल कट क्रीज़ अब फुल कट क्रीज़ एक तो पूरी बाहर की तरफ होती है एक जो है यहाँ पर एंड में ही वो एंड हो जाती है अब इस तरीके से बनाऊँगी मैं क्रीज़ और इसको जो है ये भी मैं ना एक लाइट सेट के कंसीलर से बनाऊँगी जो लाइट कलर्स के कंसीलर होते हैं उनमें हमारे जो आई होते हैं वो बहुत अच्छा खिल के दिखते हैं इस तरीके से इसको जो है लगाऊंगी और एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हटाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लेंडर से इसको डैप कर दूंगी अब मैंने ये प्रॉस ब्यूटी की एसेडो पैलेट ली है और इसमें से ये गोल्डन कलर का शेड लिया है और इस क्रीज के ऊपर ना पूरा फिल कर दिया तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि हमारा जो ऑल ओवर लुक था ना वो ब्लैक और गोल्डन था तो पूरी क्रीज पर मैं ये गोल्डन अप्लाई कर दूंगी क्रीज बनाने से देखो क्या होगा यहाँ पर बेनिफिट कि इस पिगमेंट को स्टे करवाने के लिए हमने वापस बेस क्रिएट किया है ये पिगमेंट ज़्यादा स्टे करेगा अगर मैं वैसे लगाती तो वैसे भी ये लग जाता ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं लगता बट स्टे ये अब ज़्यादा करेगा और आज हमने लेंजेज वियर करवाई है उसके बाद हम लोअर लैश लाइन में काजल एप्लीकेशन करेंगे जो कि मैं जेल लाइनर से करूँगी और एप्लीकेशन करूँगी ब्रश की बैक साइड से अब इसको भी हम मर्ज कर देंगे किसके साथ जो हमने लाइट ब्राउन कलर ऊपर लिया था ना उसके साथ ही हम इसको ब्लेंड कर देंगे लोअर लैश लाइन का काम आपको हमेशा फॉल्स आईलेसिस लगाने से पहले करना चाहिए ताकि जो आपकी फॉल्स आईलेसिस हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी एक मोटा बोल्ड ब्लैक लाइनर और कुछ इस तरीके से इसकी शेप रखूंगी आप देख सकते हैं कि आउटर से मैं इसको ना काफी मोटा लगा रही हूँ तो ये टोटली आपके लुक पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लाइनर लगाओगे ये आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखना है कि हमें कैसा लुक क्रिएट करना है अभी जब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी तो उसमें मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे ऐसा लाइनर लुक चाहिए इस वजह से जो है मैंने ऐसे ही लाइनर लगाया अब जब मैं लाइनर लगा रही हूँ तो सिमर के ऊपर जो है मेरा लाइनर लग के एक दूसरा शेड क्रिएट कर रहा है तो मुझे ये जेट ब्लैक चाहिए इसलिए मैं इसकी एप्लीकेशन डार्क करूँगी तब तक करती रहूँगी जब तक कि मुझे रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसे कि मुझे चाहिए और स्ट्रेच करके आई वर्क आप कुछ भी करो हमेशा आई को स्ट्रैच करना चाहिए तब आपके जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो इजीली अप्लाई हो जाते हैं आपकी आई पर ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब हम लगाएंगे फॉल्स आई और फॉल्स आई को लगाने के बाद हमारा जो आई मेकअप है बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत लगेगा और ये वाला लुक ना देखने में बहुत सुंदर लगता है बहुत प्यारा लगता है आपने इस लुक को कैरी करो या ना करो एटलीस्ट आप लोगों को ये आना चाहिए और आप लोग ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अमेजिंग बहुत ही प्यारा लुक है और आईब्रोज का लुक भी आप लोग देख सकते हैं मुझे तो बहुत अच्छी लगी आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी आईब्रोज की मैंने सेपरेट वीडियो यहां पर क्रिएट की है और ये रहा हमारा फाइनल लुक आप फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब पर हमारे बहुत जल्दी हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो आप लोगों प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए